अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये कैसे खूबसूरत हो, क्योंकि कपड़े के हुस्न से जिंदगी में हुस्न नहीं आता, ड्राइंग रूम की खूबसूरती से जिंदगी में खूबसूरती नहीं आती, बेडरूम के आलीशान होने से, 10-12 करोड़ का नेकलेस पहनने से, 50 करोड़ की अंगूठी पहनने से ज़िंदगी खूबसूरत नहीं होती, 50 करोड़ की गाड़ी में बैठने से ज़िंदगी खूबसूरत नहीं होती। ज़िंदगी एक और चीज़ है और इससे मुतालिक चीज़ें, वो और जहान है, वो और जहान। तो इसका अल्लाह ने हमें पता, जिस अल्लाह ने ज़िंदगी दी उसी अल्लाह ने हमें उसका पता बताया। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर तुम ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हो तो उसका एक रास्ता है, और वो एक ही जगह सौदा मिलता है, पूरे लाहौर में और किसी के पास, पूरे 6 बर्रे आज़म में, 7 बर्रे आज़म में और किसी के पास ज़िंदगी की खूबसूरती का राज नहीं है, वो सिर्फ़ मेरे महबूब के पास है। वहाँ आओ, तुम्हारी ज़िंदगी भी खूबसूरत हो जाएगी। स्विट्ज़रलैंड में 2-3 दफ़ा गया हूँ, दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क, और एक आदमी गरीब नहीं वहाँ, एक आदमी वहाँ गरीब नहीं, सब खुशहाल हैं, मालदार हैं, फ़कीर गरीब एक शख्स भी नहीं। इस तरह उन्होंने उसको सेट किया। और उस मुल्क में ख़ुदकुशी करना कानूनन जायज़, कि आप दरख्वास्त देते हैं मैं मरना चाहता हूँ, वो आपकी दरख्वास्त पे आपको जहर का टीका लगा के मौत की नींद सुला देते हैं। मुल्क खूबसूरत, लोग खूबसूरत, वादियाँ खूबसूरत, घर खूबसूरत, सवारियाँ खूबसूरत, शहर चमकते उजले। मैं लेट आ गया, माफ़ी चाहता हूँ कि सड़कों कोई ना है, दरिया बने हुए हैं, तो बेड़ी दी लोड़ आई, असी गड्डी ते मोटर ते चढ़ बैठे, तो हमारे तो शहरों का हाल कोई नहीं है, तो फिर वो वहाँ मरने की इजाज़त क्यों है? बताऊँ अगर मेरे भाई बहनों, ज़िंदगी एहसास का नाम है, और एहसास को अंगूठी नहीं खुश करता, जेवर नहीं खुश करता, 22वां ग्रेड नहीं खुश करता, चीज़ें नहीं खुश करती, एस बड़े बड़े महल खुश नहीं करते हैं। एहसास को खूबसूरत अखलाक पानी लगाते हैं, और एहसास को बदअखलाकी आग लगा देते हैं। भाइयों में सलूक ना हो, खामिन बीवी में सलूक ना हो, औलाद माँ बाप में सलूक ना हो, पड़ोसी पड़ोसी में सलूक ना हो, तो जंगल बन जाता, जंगल बन जाता। और सिर्फ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिन्होंने ज़िंदगी को जेवर पहनाया, जिन्होंने ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताया, जिस तरीक़े को अपना कर ये मस्तूरात आप, हम, ये हमारे बच्चे एक आलीशान हसीन खूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकते। तो हमारे ज़हन में था कि हमारे बच्चे अल्लाह करे अपने नबी को पहचान लें, और हम बड़े भी पहचान लें कि ये खैरात वहाँ से मिलती है जो सोने चांदी के ढेर में नहीं मिलती, बादशाहों के दर से नहीं मिलती, ये खैरात वहाँ से मिलती है। तो अल्लाह ने पहले अपने हबीब को ख़ानदानी लिहाज से खूबसूरत बनाया, कि मेरे नबी ने कहा सब नस्ल इंसानी में से अल्लाह ने अरबों को छांटा, फिर अरबों में से मुज़र को छांटा, फिर मुज़र में से कुरैश को छांटा, फिर कुरैश में से हाशिम को छांटा, फिर हाशिम में से अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया, मैं इस दुनिया में सबसे आली ख़ानदान वाला हूँ, मुझसे बड़ा ख़ानदान किसी का नहीं, मुझसे बड़ा किसी का नसब नहीं है। और आपने फरमाया कुल्लु सबबिन व नसबिन मुनक़तिउन यौमल क़ियामा इल्ला सबबी व नसबी वसअबुल्लुहा बिबलालिहा। क़यामत के दिन हर रिश्ता टूट जाएगा लेकिन मेरा मेरी औलाद के साथ रिश्ता नहीं टूटेगा। मैं उसे पानी लगाऊंगा, मैं उसे पानी लगाऊंगा। तो पहला हुस्न दिया ख़ानदान का, सारी कायनात में से छांट के अलग करके अल्लाह ताला ने उनको चारों तरफ से रेत और पहाड़ खड़े कर दिए कि कोई गैर कौम अंदर ना जा सके, और उनकी फितरी सलाहियतें और उनकी फितरी सिफात वो उभरती रहें उभरती रहें उभरती रहें। तो ख़ानदान के लिहाज से सबसे बुलंद वाला, और किसी का ख़ानदानी नसब आदम अलैहिस्सलाम तक नहीं जाता। ये वाहिद हस्ती हमारे नबी जिनका नसब आदम अलैहिस्सलाम तक जाता।